केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने से वंचित रह गए जदयू संसदीय दल के नेता ललन सिंह ने किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार किया है। शनिवार को पूर्व विधायक मंजीत सिंह के जदयू में मिलन समारोह के बाद जब पत्रकारों ने ललन सिंह से यह सवाल पूछा कि आखिर क्या वजह थी कि जब 2019 में केंद्रीय कैबिनेट में टोकन सदस्य के रूप में जदयू ने शामिल होने से साफ तौर पर परहेज किया था और जदयू को एक सीटें मिलने के बाद जदयू ने इसमें केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने से परहेज किया था, तो आखिर वही फैसला फिर 2021 में जब केंद्रीय कैबिनेट में जदयू को मात्र एक सीट मिली तो आखिर वह कैसे पलट गया और जदयू किस तरह से मंत्रिमंडल में शामिल हो गया। इस पर ललन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि चूंकि 2019 में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के नीतीश कुमार थे और उन्होंने पार्टी के सभी बड़े नेताओं से मिल बैठ करके यह फैसला लिया था और उसके बाद जदयू ने केंद्रीय कैबिनेट में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया था, लेकिन इस बार परिस्थिति बदल चुकी है और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह हैं और पार्टी ने आरसीपी सिंह को अधिकृत कर दिया था। वैसी परिस्थिति में आरसीपी सिंह ने जो फैसला लिया वह पार्टी को मान्य है, वो पार्टी का फैसला है। जब ललन सिंह से यह पूछा गया कि क्या आरसीपी सिंह ने जब यह फैसला लिया तो इसकी जानकारी पार्टी के नेताओं को दी थी या पार्टी के नेताओं की सहमति ली थी, तो उस पर ललन सिंह ने कहा कि जब आरसीपी सिंह ने यह फैसला लिया था तो इसकी जानकारी उन्होंने हमको दी थी। लेकिन ललन सिंह से जब यह पूछा गया कि पार्टी के इस फैसले से आप नाराज़ तो नहीं हैं, तो उस पर ललन सिंह ने कहा कि आखिर नाराज़गी किस बात की, जब पार्टी ने यह फैसला ले लिया है तो यह सबको मान है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये प्रारंभ में ही कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके लिए अधिकृत। अब आप चर्चा कर रहे हैं 2019 का, तो 2019 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उस समय जो कुछ भी ऑफर आया था पार्टी के सभी नेताओं से राय मशवरा करके उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। अब आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या राय मशवरा नहीं किया हम नहीं जानते आपसे किया गया, क्योंकि आप भी तो पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर हैं। हमको उन्होंने सूचना दिया था, जरूर निर्णय की सूचना उन्होंने हमको दी थी, तब वो फैसला सही था। अब ये फैसला उसके लिए थोड़ा सा दूर से नहीं है आपके इस सवाल का उत्तर देने को। पिछले कई दिनों से ललन सिंह को लेकर के मीडिया में जिस तरह से खबरें आ रही थी और यह कयास लगाए जा रहे थे कि आरसीपी सिंह के इस फैसले से ललन सिंह काफ़ी नाराज़ हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ललन सिंह के आज का बयान काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ख़ास बात यह है कि पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ ललन सिंह ने कुछ भी बोलने से परहेज किया है। यूँ ललन सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और ऐसे जानकारी मिल रही है या मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि आरसीपी सिंह के इस फैसले से नीतीश भी संतुष्ट नहीं है, यानी कि नीतीश भी नाराज़ है। वैसी परिस्थिति में ललन सिंह के द्वारा अभी भी कुछ नहीं बोलना ये साफ तौर पर संकेत है कि ललन सिंह एक मजे हुए नेता हैं और पार्टी के अंदर भले ही कोई किसी की नाराज़गी हो लेकिन मीडिया के सामने और खुले रूप से ललन सिंह इसे व्यक्त नहीं करना चाहते हैं, यानी कि जदयू को एकजुट रखने के लिए ललन सिंह ने यह साफ तौर पर संदेश दिया है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया है वह सभी लोगों को मान्य है। कैमरामैन आशीष के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज़, पटना।